मुंबई के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर, आज शाम 4 बजे से आम लोग मेट्रो की नई लाइन 2A और 7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो के नए रूट से मुंबई में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना आसान हो गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 दिन तक चलने वाले मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे आयोजित किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हुए। अच्छी तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने बच्चों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया और जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का मंत्र भी दिया। असम के डिब्रूगढ़ में छात्र छात्राओं के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। तरह तरह की थीम्स पे बच्चों ने शानदार पेंटिंग बनाई। गुड न्यूज गुजरात के सूरत से है। वेडिंग सीजन में यहां खूब शादियां हो रही हैं, जिसका असर ज्वेलरी के कारोबार पर पड़ रहा है। दुकानों में चहल पहल है और गहनों की बिक्री बढ़ने से व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव की धूम है, इसमें सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नवग्रह पशु मेला लगा है, इसमें मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के भी किसान और व्यापारी अपने मवेशी लेकर आए हैं। मेले में निमाड़ी नस्ल के बैलों की सबसे ज्यादा डिमांड है। राजस्थान के पाली में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें दूर दूर से हजारों किसान पहुंचे। सम्मेलन में आने वाले किसानों का राजस्थानी नृत्य से स्वागत किया गया। किस्मत हो तो ऐसी, पंजाब में मोहाली के रहने वाले 88 साल के बुजुर्ग की लगी 5 करोड़ रुपए की लॉटरी। लॉटरी लगने की खुशी में बुजुर्ग के साथ उनका पूरा परिवार झूम उठा।